गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर पे हम गिटार पिक कैसे बनाएं। तो आप सभी को पता है कि इस वक्त कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारी अगर पिक हो जाए तो हम घर पे कैसे बनाएं। तो आपको इसके लिए आपको कुछ वेस्ट मटेरियल चाहिए। उनमें चाहिए एक पेपर, एक सैंड पेपर, पिक और सीडी, एक परमानेंट मार्कर और सीज़र। तो आइए अब हम अपनी पिक बनाना स्टार्ट करते हैं। हम अपने घर पे कैसे बना सकते हैं, अब हम मान लेते हैं हमारी सही में पिक हो चुकी है, तो हम इसे घर पे कैसे बनाएं। तो हम अपने ये हम गूगल पे हम एक पिक का वो पिक की वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे, तो आप उसको क्लिक करके वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उसको क्लिक करना है, तो आपको कुछ ऐसी पिक्स आ जाएंगी। तो आपको अपना पेपर लेना है, इसके ऊपर रखना है और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे पिक दिखाई दे रही है। तो हमें अपना मार्कर लेना है और इसके ऊपर फेरना है, जिससे हमारा यही शेप आ जाए। तो हम ये यूँ रखेंगे और ये फेर लेंगे। तो अभी हमने फ़ोन पे से इसे बना लिया है, तो अब हम इसे लेंगे और अपनी कैसेट पे रख लेंगे और इसे फेर लेंगे। तो कैसेट पे रखेंगे और हम इसे फेर लेंगे जब तक का कैसेट पे ये छप ना जाए। तो अब हमने इसे फेर लिया है। अगर आपके पास कोई डार्क मोटा पेपर, अगर आपने पतले पेपर की जगह या फिर टिश्यू पेपर ले सकते हैं, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए टिश्यू पेपर। हमारे ये जो पेपर है ये टिश्यू पेपर से हल्का सा मोटा है, इसलिए हमारा छप गया है, ये छप गया है। अगर आपने मोटा पेपर यूज़ करा तो ये छपेगा नहीं, इसलिए आप टिश्यू पेपर या फिर पतले पेपर का इस्तेमाल करें। अब हम इसे कैंची की मदद से इसे हम काट लेंगे। तो आइए अब हम इसे काटते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अब हमने इसे काट लिया है, तो अब ये अलग हो चुका है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा हमारे पिक की साइज़ की बन चुकी है। अब हम ये जो हमारी पैन ही है ये पिक की थोड़ा वैसी है, तो हम इसे थोड़ा सा गोल कर लेंगे। अब जो हमारे ये सैंड पेपर था, अब आप देखोगे तो ये थोड़ी हमारी हाथ में लग सकती है, जिससे हमारे लग सकती है। तो हम इसे सैंड पेपर से थोड़ी सी स्मूथ कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हम इन्हें सैंड पेपर पे करके हम इसे स्मूथ कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसेट तो हमारी जो होती है वो मोटी होती है, तो हमारी ये जो पिक होगी वो भी मोटी होगी। तो आप देखते हैं तो कैसेट में ना हमारी ना दो लेयर होती हैं, तो हम जो कैसेट है ना उसकी जो एक लेयर है उसे हम हटा देंगे। अब हम आपको इसे हटा के दिखाएंगे। आइए अब हम इसे हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दो लेयर ये हैं, ये रही। तो अब हम इसे हटाते हैं। तो ये अभी हट चुकी हैं। अब आप देखते हैं तो इसमें ये वाली हल्की सी पतली होगी और ये वाली हल्की सी मोटी होगी, तो आपको ये पतली वाली चाहिए। तो आप इसको अब एकदम स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको सैंड पेपर पे आराम से घिस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमने इसे घिस लिया है इस सैंड पेपर पे, तो अब ये बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, देखिए फ्लेक्सिबल आ चुकी है इसके अंदर। अब आप कह रहे होंगे ये बजे, इससे गिटार बजेगा कि नहीं, तो अब हम इसको इससे गिटार भी बजा के दिखाएंगे आपको। देखिए अब हम इसी प्लेक्टम से आपको गिटार बजा के दिखाएंगे, और आपको कम से कम हम दो या एक स्ट्रमिंग बजा के दिखाएंगे, और आप देख सकते हैं हमारा गिटार कैसे बजेगा। तो अब हम शुरू करते हैं।
अब आपने देखा कि हमने दिखाया कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पिक नहीं मिल रही है तो अभी आपको गिटार प्रैक्टिस करने, तो आप इस पिक को घर पे बना के कर सकते हैं। हमने इसका लिंक भी भेज दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए गिटार के रिलेटेड तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।